हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीतास किचन। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है चाट पापड़ी की। तो चाट पापड़ी की रेसिपी बनाने के लिए जो हमें सामग्री चाहिए वो इस तरीके से है। मैंने यहाँ 250 ग्राम से मैदा लिया हुआ है, ये मैंने हाफ टेबल स्पून अजवाइन लिया है, हाफ टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पे नमक लिया है, और ये मैंने 2 बड़ा चम्मच यहाँ पे ऑयल लिया हुआ है, और 1 कप पानी लिया है। पानी की क्वांटिटी जितनी यूज़ होगी उतनी हम यूज़ करेंगे। और फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल यहाँ पे गर्म होने के लिए रख दिया है। तो चाट पापड़ी बनाने के लिए फ्रेंड्स, जो हमें पापड़ी जिस तरीके से तैयार करनी है वो आज मैं आपको बता रही हूँ। तो ये हमने 250 ग्राम्स मैदा लिया है। आप मैदा की क्वांटिटी अगर ज़्यादा बनानी है आपको तो क्वांटिटी आप ज़्यादा कर लीजिए। ये नमक और ये ऐड कर लेंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद हमें इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं मिलाना है, बस ये 2-3 चीज़ों से ही ये पापड़ी बनके तैयार हो जाती है, और बहुत अच्छी है और बहुत क्रिस्पी आप पापड़ी बना के तैयार कर सकते हैं घर पे। तो फ्रेंड्स, ये अच्छे से आप बना के तैयार कर सकते हैं घर पे ही। और ये हमने मिक्स कर लिया, अब हम इसमें ऑयल डालेंगे, इसको भी मिक्स कर लेंगे, और अब हम इसको हाथ से वाइंड करेंगे ताकि अच्छे से एक इसका स्मूथली मिक्सचर बन के तैयार हो जाए। अब हम इसको हाथ से वाइंड करेंगे इस तरीके से, और बहुत ही इजी और आसान रेसिपी है। आप चाहें इसको स्नैक्स के तौर भी खा सकते हैं, या कई बार होता है आपका बहुत अच्छा कुछ खाने का मन करता है तो आप इसकी चाट भी बना के, चाट पापड़ी की चाट बना के खा सकते हैं। बट उसके लिए आपको रेडी करके रखनी होगी ये चाट, ये पापड़ी। तो आज मैं वही रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अच्छे से मिक्स हो गया है, और ये इस तरीके का बाइंड होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये हम मटरी नहीं बना रहे हैं, हम इसकी पापड़ी बना रहे हैं। तो पापड़ी में जो ऑयल डलता है वो थोड़ा सा ही डलता है, ज़्यादा नहीं डालना है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक सोप डो बना के तैयार करेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है फ्रेंड्स। अब इसका हम एक सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लेते हैं। पानी कितना यूज़ हुआ है वो हम आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये मैं सॉफ्ट डो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ये मैं सॉफ्ट डो तैयार कर रही हूँ। और इतना सा हमें डो तैयार करने में हमें ये बड़ा कप जो पानी लिया वो आधा कप पानी मैंने यूज़ किया है। तो अब हम इसको इसी में, अब हमें पानी की ज़रूरत नहीं, इसी में हम एक सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लेंगे। जैसे आप रोटी या फिर पराठे के लिए आप लगा के तैयार करते हैं डो, वैसा ही। तो फ्रेंड्स, ये मैंने सॉफ्ट डो लगा के तैयार कर लिया इसका। ये देखिए, इस तरीके से सॉफ्ट डो होना चाहिए। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो, बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना हो, तो आपको इस तरीके का सॉफ्ट डो लगा के तैयार करना। अब इसको हम 5-10 मिनट के रेस्ट पे रख देते हैं, 5 मिनट के लिए रख देते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा समय है तो आप ज़्यादा समय के लिए रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये डो हमारा रेस्ट पे जो हमने रखा तो वो रेडी हो चुका है। आप चाहें तो इसको और थोड़ा सा पंच कर लीजिए। और अब मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका दिखाती हूँ कि किस तरीके से बनाना है। तो आप इसमें छोटा लोई निकाल लीजिए इस तरीके से, चपाती जितनी। तो फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से सारी लोइयां बना के रख ली हैं ये, और आप इक्वली साइज की लोइयां बनाइएगा। अगर आप चाहें तो छोटी छोटी लोइयां बना के आप हाथ से भी बना सकते हैं पापड़ी। तो ये थोड़ा सा डस्ट करेंगे हम मैदा, और इसको एक रोटी की तरह बेल लेंगे पतली। तो फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके की रोटी, ये बड़ी रोटी बनाई हुई है, और ये इतनी पतली, ना ज़्यादा पतली है ना ज़्यादा मोटी है, थोड़ा सा ठीक, थोड़ी सी मोटी, जो आप चपाती बेलते हैं उससे थोड़ी सी मोटी रखिएगा। तो मैंने इस तरीके से बेल लिया है इसको। अब हम इसको आपको दिखाएंगे। आप चाहे तो ये लोई जो मैंने ली है इसकी छोटी छोटी लोइयां बना के आप बना सकते हैं वैसी बेलन से। और अगर आप बिल्कुल भी एक ही शेप में और एकदम इक्वली बनाना चाहते हैं तो इस तरीके का कोई ढक्कन ले लीजिए और उसे आप बना लीजिए। तो ये देखिए, मैं एक ही साइज की निकालूंगी इस तरीके से। आप इसमें निशान लगा लीजिए इस तरीके से, और फिर चाकू की सहायता से आप निकाल लीजिए अच्छे से, उसको निकल जाएगी इजीली। आप इस तरीके से चाकू से निकाल लीजिए, इजीली निकल जाएगी। अब हम इसको चाकू से निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से चाकू की सहायता से आप चाहे तो इस तरीके से निकाल लीजिए, और ये इक्वली शेप में बनेगी। अगर आप मतलब थोड़ी थोड़ी लोइयां बना के बनाना चाहते हो तो वैसे भी बना सकते हैं। तो ये मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, इजीली निकल जाती है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। बस आटा थोड़ा सा टाइट गूंदिएगा, क्योंकि
जितना आप चपाती वगैरह के लिए गूंथते हैं उसी तरीके। देखिए ये मैंने निकाली और बिल्कुल एक ही शेप की हैं ये। मैं सारी निकाल लेती हूँ उसी तरीके से, फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने इस तरीके से ये देखिए निकाली है, इक्वली साइज में निकली। इस तरीके का कोई ढक्कन हो तो आप ले लीजिए, इससे छोटा या बड़ा जैसी भी आप बनाना चाहते हैं। और इसको आप बैलेंस एक बार और इस तरीके से ये फ्लैट कर दीजिए ताकि और अच्छी और थोड़ी सी पतली बन जाए। अब मोटी पतली कैसी बनानी वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब हम इसमें फोक से इस तरीके से कर दें ताकि ये फूले नहीं, इस तरीके से कर देंगे ताकि ये फूलेगी नहीं। और ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें ये सिकने के लिए डाल देंगे ऑयल में। और गैस का फ्लेम मीडियम ही रखिएगा फ्रेंड्स, ज़्यादा स्लो नहीं रखना है और ना ज़्यादा हाई रखना, क्योंकि हमें इसे फुलाना नहीं, हम इसको ये पापड़ी बना रहे हैं तो हमें इसे फुलानी नहीं है ज़्यादा। और एक एक करके हम इस तरीके से इसमें डाल देंगे। और अब हम ये थोड़ा सा पलट देंगे इनको। मीडियम फ्लेम पे सेकेंगे तो बहुत अच्छी और बहुत क्रिस्पी बन के तैयार हो गई है। तो चलिए हम बना लेते हैं इनको, फिर दिखाते हैं आपको। मेरी आंटी तो मेरी तो फ्रेंड्स ये वाली देखिए पापड़ी हमारी सिक्के तैयार हो चुके हैं और ये भी मैंने बना लिए। अब हम इनको हम एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। और मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी ये कितनी क्रिस्पी और कितनी अच्छी बनी हुई है। अब हम ये वाली भी डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स ये वाले भी हमारे सिक्के तैयार हो रहे हैं। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेगा क्योंकि एकदम से तेज कर देंगे वो पूरी की तरह फूल जाएंगे, तो हमें इन्हें फुलाना नहीं है। और हमने ये वाली भी बना के तैयार कर ली है। तो फ्रेंड्स ये वाली भी हमारी बनके रेडी हो चुके हैं, हम इनको भी निकाल लेते हैं। बहुत ही क्रिस्पी एंड इजी रेसिपी है, आप कभी भी इसको बना के खा सकते हैं। और ये वाली जो हमारी है ये भी हम डाल देते हैं। अगर आप चाट नहीं बनाना चाहते हैं इसकी, तो आप इसको टमाटो सॉस के साथ एंजॉय कर सकते हैं, जैसे शाम को स्नैक्स के तौर पे, जैसे आप चाय वगैरह पीते हैं कॉफ़ी पीते हैं तो आप प्लीज टाइम स्नैक्स अच्छा है ये, आप इंजॉय कर सकते हैं। और गैस का फ्लेम मीडियम ही रखिएगा फ्रेंड्स। और जब आप ये फोक से ये इसमें हॉल करते हैं तो आप ये याद रखिए तो अच्छे से करिएगा, ऊपर ऊपर से मत करिएगा, अच्छे से करिएगा ताकि ये बहुत अच्छी तरीके से ये फ्लैट हो जाए। तो फ्रेंड्स जैसे ये सिक जाती है हमारी पापड़ी, हम इनको भी निकाल लेंगे। और ये वाली देखिए कितनी अच्छी, मैं अभी आपको तोड़ के दिखाती हूँ ये कितनी अच्छी और कितनी क्रिस्पी बनी है, ये देखें, ये बहुत अच्छी और बहुत क्रिस्पी बनी है। आप कभी भी इनको आप टमाटो सॉस के साथ एंजॉय कर सकते हैं या फिर आप पापड़ी बना लीजिए, और बहुत क्रिस्पी है ये देखिए। ये वाली भी हमारी सीख रही है, हम इनको भी निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स ये वाली भी हमारी सीख गए हैं और गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और अब हम ये भी निकाल लेते हैं। तो
फ्रेंड्स, आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी? सच में बहुत क्रिस्पी बनी हुई है और आप शाम को चाय के साथ इनको एंजॉय कर सकते हैं टमाटो सॉस के साथ, एंड या फिर ऐसे ही बगैर सॉस के भी आप एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपको चाट पापड़ी बनानी तो उसके लिए फ्रेंड्स आपको सबसे पहले इस तरीके की पापड़ी बना के तैयार करनी होगी और उसके बाद आप चाट बना लीजिए और उसको एंजॉय करिए और अच्छे से खाइए। एंड फ्रेंड्स, आपको मेरी ये पापड़ी की रेसिपी कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, एंड फैमिली फ्रेंड को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, एंड मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।